इस नमकहत की बातों में ना आती ना तो मेरे पैसों में आग ना लगती। अम्मा हर बार बेटे को ही आजमाती हो, एक बार दामाद को देकर भी आजमा लो। अरे तू तो चुप ही बैठा रहे, जब भी बोलेगा मेरे जख्मों पे नमक छिड़केगा। अम्मा तसल्ली दे दो, सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार और भाभी को तलाक की धमकी देकर उसके घर भेज दो। कहीं नहीं जाएगी वो, बहुत डीट हटी है। कह रही थी मैं थाने चली जाऊंगी लेकिन माँ के घर नहीं जाऊंगी। अम्मा सुना तूने, इसकी बीवी की आंखों का तो पानी मर चुका है। बड़ी साइड लेता था ना उसकी, अब पता चला कैसे उंगलियों पे चला रही है। हाँ हाँ दे दो, तुम सब मिलकर ताने दे दो, गलती कर दी मैंने यहाँ आकर। दुख भी मेरा, पैसे भी मेरे और रकम भी मेरी ही डूबी है, और आंखें भी तुम सभी मुझे दिखा रहे हो। अरे अरे बेटा, अरे मेरे लाल, आई जाके बाजार से खाना तो लिया, बड़ी भूख लगी है। ठीक है अम्मा लाता हूँ, लेकिन एक बात साफ बता दूं, सबके लिए नहीं लाऊंगा, सिर्फ अपनी बीवी के लिए और तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। हाँ हाँ करीम सही है बिल्कुल, हमने सबका ठेका थोड़ी लिया हुआ है। ठीक है, इस आदिल के लिए ना मैं भी कुछ नहीं करूंगी, थक गई हूँ इसकी बातों पे ढक्कन ढक ढक के।